गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजीनंदा, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लास में मैंने हिंदी रीडर की बुक में पार्ट 19, जो एक बहुत ही सुंदर कविता है, हिमालय, पेज नंबर है 108, ठीक है, इसे समझाया पढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। हिमालय संक्षेपण है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय के माध्यम से सफलता का मार्ग दिखाया है। क्या मतलब है इसका कि ये जो हमें कविता बताई गई है, इसमें हिमालय का उदाहरण देकर आपको अपने जीवन में आपका कोई भी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए रास्ता दिखाया है कि जिस तरह से हिमालय खड़ा है उस तरह से आपको भी खड़े रहकर अपने जो भी लक्ष्य है उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े करनी है और उसको प्राप्त करना है। चलिए शुरू करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से हिमालय खड़ा हुआ है तो वो हमें ये बताता है कि हमें आंधी तूफान पानी किसी से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिमालय आंधी आए तूफान आए बारिश आए उसमें खड़ा रहता है, ठीक है, हमारे देश की रक्षा करता है ना। तो उसी तरह से आपको भी हिमालय का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस तरह से हिमालय आंधी तूफान बारिश में खड़ा रहता है उसी तरह से आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते में कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आए आपको डरना नहीं है। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। कह रहे हैं आगे कि आप खड़े रहो अविचल होकर। अविचल का क्या मतलब होता है? स्थिर, अटल, ठीक है। सब संकट तूफानों में मतलब किसी भी तरह का तूफान आए, कोई भी कष्ट आए, विपत्ति आए आपके ऊपर, तो आप उसको झेल लो, उसको सामना करो, ठीक है। जिस तरह से हमारे हिमालय पर्वत है, कोई भी आंधी तूफान संकट आता है तो वो अटल होकर खड़ा है, ठीक है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। आगे क्या कह रहे हैं कि डगमगाओ। डिगो का मतलब क्या है कि अगर तुम डगमगाओगे नहीं अपने प्रण से, तुमने जो प्रतिज्ञा की है, ठीक है, तुमने जो भी प्रण लिया है तो तुम वो सब कुछ पा सकते हो, उसे पूरा कर सकते हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कि जिस तरह से हिमालय इतना ऊंचा दिखाई देता है जैसे कि आसमान को छू रहा हो, तो उसी तरह से आप भी अपनी जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हो। आप ऊंचे उठ सकते हो, आप आसमान को छू सकते हो, ठीक है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। इसमें क्या कह रहा है? अचल, अचल का मतलब क्या होता है? जो जिसे हम बदल नहीं सकते, ठीक है, जो बदलता नहीं है या एक जगह से दूसरी जगह पर हिला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। अब हिमालय जहाँ है वो वहीं रहेगा ना, उसको उठा के हम एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं ले जा सकते ना, उसको बदल नहीं सकते। तो इसी तरह से इंसान को हमें भी कह रहे हैं, कवि समझा रहे हैं कि हम अगर अपने पथ पर अपने रास्ते में अचल रहें, मतलब डगमगाए नहीं, उसको बदले नहीं, लाख मुसीबतों के आने पर भी, तो हमें सफलता संसार में ज़रूर मिल जाएगी, चाहे वो जीकर मिले चाहे मरकर मिले, हमारा नाम अमर ज़रूर होता है, ठीक है, हम ज़रूर जाने जाएंगे। तो ये आपकी कविता थी हिमालय, जिसे हमने पढ़ा समझा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसका आप बुक वर्क देख लीजिए। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानो, मतलब कि शब्दार्थ, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अविचल, अविचल का क्या मतलब होता है? स्थिर, अटल। संकट, संकट का अर्थ होता है विपत्ति, कष्ट। प्रण, प्रण का क्या अर्थ है? अटल निश्चय या प्रतिज्ञा। नभ, नभ का मतलब है आकाश, आसमान, गगन। जग, जग का मतलब होता है संसार, ठीक है। तो ये शब्दार्थ आपको पार्ट 19 हिमालय लिखकर अपने कॉपी में लिखने हैं, और कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे कि
हिमालय, सफलता, अविचल, आंधी, तूफान, ठीक है बच्चों, मुसीबत। तो ये आपके थोड़ा सा छोटे छोटे से काम हैं, पांच आपके शब्दार्थ हैं और छह सात आपके कठिन शब्द हैं, जिसे आप सुंदर सुंदर राइटिंग में हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कठिन शब्द कौन से हैं? हिमालय, सफलता, आंधी, अविचल, तूफान, मुसीबत, ठीक है। तो इसको आप अपना लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।